नमस्कार, मेंथॉल मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 7 सितंबर। मेंथा की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में काफी दिन से एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि 920-25 का एक फेयर प्राइस है, प्राइजेस इसके नीचे सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है वो मूविंग एवरेज होता है। देखिए, पिछले एक हफ्ते में प्राइजेस में हमने 3.5% की तेजी आते हुए देखी, पिछले एक महीने में हमने 1.25% की तेजी आते हुए देखी है। मूविंग एवरेज हमें बताता है कि प्राइजेस के अंदर क्या मोमेंटम है पिछले 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में। तो अब हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुकी है, जो कहीं ना कहीं एक बाइंग इंडिकेट करता है। वहीं 50-day मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंट है 970 है, तो हमें लगता है अगले 2-3 सेशन में 970 का लेवल अगर तोड़ देता है तो प्राइजेस के अंदर और एक इजाफा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइजेस अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो जब तक प्राइजेस 960 के ऊपर मेंटेन है और 965-66 के ऊपर का अगर ब्रेकआउट आता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी का आगाज हम मेंथा में देख पाएंगे। वैसे भी हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बट चाइना की तरफ जो एक्सपोर्ट होता है वहां पे अभी भी हमने कर्टलमेंट देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस में कोई बड़ा उत्साह नहीं है। बट हाजिर मार्केट में धीरे धीरे लेवाली बढ़ना चालू हो चुकी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो RSI 57 पे है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेट करता है। CCI 200 के ऊपर आ चुका है, जो पॉजिटिव इंडिकेट करता है। MACD अब -3.6 रह गया है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। ADX 27 पे आने का मतलब है मार्केट में अब वॉलिटिटी आना चालू हो चुकी है। आज का रेजिस्टेंट रहेगा 965 का। अगर प्राइसेस 965-66 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो हमें 974-985 तक के रेंज देखने मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जब तक 930 के ऊपर मेंटेन है प्राइसेस, बिल्कुल तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। फिजिकल मार्केट में हमने देखा कि प्राइसेस में धीरे धीरे डिमांड बढ़ना चालू हो चुकी है, जिस ढंग से इंडस्ट्री ओपन अप होते जा रही है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो प्राइजेस बिल्कुल मेक और ब्रेक सिचुएशन पे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जुलाई एंड में प्राइजेस 965 के करीब गया, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो अगर प्राइजेस में 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो 1000 तक का लेवल इमीडिएटली हम देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, प्राइजेस 964 के करीब है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाते हैं तो हम 1000 तक का लेवल देख पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछली बार जब ये लेवल टेस्ट किया था तो प्राइजेस जीरो लाइन के ऊपर नहीं निकले थे, बट अब यहाँ पे आप देखिए स्विस इंडिकेटर दिखा रहा है कि प्राइजेस का टोन पॉजिटिव है, MFI भी पॉजिटिव जा रही है, MACD भी धीरे धीरे पॉजिटिव जा रहा है, वॉलिटिटी भी बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल मेंथा ऑयल में लेके चलिए, जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा गेन देखने मिल जाए। अगस्त मंथ की अगर हम सीजनैलिटी देखें वो पॉजिटिव थी, सितंबर मंथ की सीजनैलिटी भी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉजिटिव। तो आज के लिए भी हमें लगता है मेंथा ऑयल लेके चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चलिए 965 के ऊपर 936 के स्टॉप लॉस से, और 1000 तक के भी टारगेट हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।